रतलाम में एक युवक ने कलेक्ट्रेट में खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन युवक कोई आत्मघाती कदम उठा पाता इससे पहले ही वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। युवक का नाम सौदान सिंह है, जिसका कहना है कि वो बापू नगर का रहने वाला है और ट्रक पर काम कर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। उसके पास जमीन का पट्टा नहीं है और जब उसने सरकारी जगह पर अपना घर बनाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उसे डराया धमकाया, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। उसका ये भी कहना है कि जिस जमीन पर वो घर बनाना चाहता है वो पहले पट्टे पर दी गई थी, लेकिन अब वहाँ रहने वाले की मौत हो चुकी है, इसलिए वो उस जगह पर रहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उसे ये कहकर धमका रहे हैं कि उन्होंने वो जमीन खरीद ली है। न्याय मिले और मेरे को 30x30 तक जिन लोग आके हम लोगों को बोलते हैं हमने इस जमीन को खरीद ली है और ये जमीन हमारी और आज के बाद आना मत, नहीं तुम्हारे हाथ में जोड़ देंगे सर, हमें न्याय मिलना चाहिए। और मीडिया कर्मी सर वहाँ पे आए दिन रोज किस किस के चेहरे देखेंगे बताओ सर, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं बम्बई गुजरात महाराष्ट्र मैं ऑल इंडिया चलने वाला आदमी, मैं सेकेंडरी करता हूँ, ट्रक पे सेकेंडरी करता हूँ। आज आपका कॉल आया, मैं आपके साथ में कल बैठक का कॉल आया। क्या मांग है ये बताओ तुमने आज? मांग मेरी है कि मेरे को मेरा नियम प्लाट मिले मेरे को और सरकारी बुकट परेशान बता रहे हैं लोग, धमका रहे हैं उस बात के सामने। ये पहली बार उसकी बात आई है यहाँ पर, पहले संज्ञान में नहीं आई है, अगर आती तो हम निश्चित।